गाइस ये है चिन्योड़ का तहसील चौक। बहुत ही चेंज हो गया, इन्होंने खुला कर दिया ये, और वो सामने भी ये चेंजिंग किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। तो जब मैं यहाँ पर पढ़ता था उस वक्त यहाँ पर बैनर्स लगे होते थे कि चिन्योड़ को ज़िला का दर्जा दिया जाए, तो काफ़ी बैनर्स लगे होते थे। तो ये यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक पुलिस वालों का स्पॉट होता था यहाँ पे, तो अब इन्होंने ये खुला कर दिया, काफ़ी खुला हो गया। ये मैं आपको चले बताता जाऊँ, ये वाला रोड है जो ये पिंडी पट्टियाँ लाहौर की तरफ जा रहा है, ये सामना सरगोधा रबवा, या ये रोड है गाइस जो जा रहा है जंग रोड की तरफ। हम इस साइड पर जाते थे तो जो हमारी स्कूल की वैन थी वो यहाँ पर आती थी, तो यहाँ से मैं बैठता था, तो फिर आगे हम जाते थे। इस रोड पर 25-26 किलोमीटर पर आती है रमज़ान शुगर मिल, और ये वो रोड है फैसलाबाद जहाँ से हम आए हैं। वो देखे, वो भी देखने आ गए अपना कॉलेज, वो देखिए आगे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं इनके क्या कमेंट्स हैं इसका, अपनी यादों को लेकर। जो मैं बंक करने का कह रहा था, ये फर्स्ट पे होते थे पीरियड बंक करने, यानी पंजाबी के कहो के कंध टपके निकल जाना। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दिलशाद एंड वाचिंग दिलशाद मुश्ताक व्लॉग्स। गाइस सुबह सुबह मैं अशर के साथ आज जा रहा हूँ अपने चाइल्डहुड सिटी में चिन्योड। ये मेरा और चाचू का ये हमारा पहला व्लॉग है आउट ऑफ सिटी, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो कहते हैं वो अभी हम जा रहे हैं चाचू के चाइल्डहुड सिटी, जहाँ पे चाचू ने अपनी सारी जो है वो पढ़ाई मुकम्मल की है, जिसको इब्तदाई तलीम कहते हैं। इब्तदाई तलीम, हाँ जी इब्तदाई तलीम कहते हैं वो, उन्होंने वहाँ पे तलीम कह रहे थे वो दी है। अच्छा सुबह सुबह उठा है इस वजह से तो नहीं ऐसा बोल रहा। और उसके बाद जो जहाँ पे चाचू ने जो कॉलेज था दिलशाद चुका, वहाँ वो भी हम देखेंगे, बहुत ही मजा आने लगा आज गाइस। तो गाइस आज की वीडियो कंप्लीट देखेगा क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आशर इतना सामान यार चिन्योड़ जा रहे हैं, लाहौर नहीं जा रहे भाई, सामान पास होना चाहिए, जरूरत पड़ जाती है अगर। अच्छा बेल्ट रखिए एक्स्ट्रा, और एक आधा जूता रखा एक्स्ट्रा, और मेरा कैमरा ना नीचे लगा दें यार, ये रख दिया आपका। गाइस हम तो रेडी हो गए हैं, तो बस वेट कर रहे हैं, बल्कि भाई मेरे आ गए हैं। हाँ जी भजन कैसे हैं, ठीक ठाक सब गाइस, क्या हाल हैं, ठीक ठाक हैं आप? तो गाइस ये मेरे बड़े भाई हैं शहजाद, तो माशाल्लाह आज ये गाड़ी ड्राइव करेंगे, तो अब हम जा रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि हमारे साथ और कौन कौन जा रहा है। गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटाघर चौक जो फैसलाबाद की पहचान है, तो अब फाइनली हम रवाना होने लगे हैं फैसलाबाद से चिन्योड़ के लिए। तो शहजाद भाई से मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, मेरा भाई वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ जा रहा है वकास, मुझसे छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है, ये है वसीम हमारे दोस्त है, और आशर का तो आपको पता ही है। तो इस वक्त हम आए हैं बंगाली की लस्सी पीने, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो हम जाकर करेंगे चिन्योड इंशाल्लाह ताला, और मैं एक सेपरेट व्लॉग भी डालूँगा। तो बंगाली की लस्सी माशाल्लाह फैसलाबाद की बहुत ही मशहूर लस्सी है, और बंदा पीता है तो फ्रेश हो जाता है। तो इनके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है कंप्लीट वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो यार मंगा लो हूँ लस्सियाँ, कदम मंगाओगे शूट होता रहेगा, शूट होता रहेगा। अच्छा जी गाइस मैं चिन्योड़ आ चुका हूँ इस वक्त, और काफ़ी चिन्योड़ जो है वो चेंज हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ। तो ये सामने जो रोड के ऊपर आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, तो यहाँ से मैंने ICS किया है। तो चले मैं आपको पहले कॉलेज दिखाता हूँ, फिर आपको चिन्योड़ का तहसील चौक दिखाता हूँ। तो चले चले फिर अंदर जी, आज है संडे, लेकिन फिर भी जो है ना वो कॉलेज ओपन है, तो मैंने कहा चले अंदर जाकर आपको दिखाते हैं।
क्योंकि मैं खुद ही देखना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पर गुजारा है। ये है जी गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज चिन्योट। गाइस कॉलेज के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये ग्राउंड मुझे याद है, अक्सर मैं यहाँ पर बैठ के जो है ना स्टडी किया करता था। और ये एक बड़ा ग्राउंड है इस साइड पर। गाइस ये है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और ये सामने ये वाली जो क्लास थी ना, ये हमारी ICS की कंप्यूटर क्लास थी, ये सामने वाली। काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो काफ़ी बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन ये मेन कॉलेज है। जैसे ही हर बंदे के माइंड में ये होता था चिन्योट में कि जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आना तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना सभी लोगों ने यहाँ पर आना, क्योंकि फैसलाबाद काफ़ी दूर है यहाँ से, तो सब ने जो है जो जिसको हम बोलते हैं कि इंटर यहाँ से किया है, उसके बाद आगे फैसलाबाद चले जाना या लाहौर चले जाना, तो वो नेक्स्ट सीन बनता था। तो बिल्कुल कॉलेज नहीं चेंज हुआ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बिल्कुल कॉलेज नहीं चेंज हुआ। और जाहिर बात है जहाँ पर इंसान ने अच्छा टाइम गुजारा हो, तो जब इंसान काफ़ी टाइम के बाद वहाँ अच्छा पर जाता है तो अच्छी फीलिंग आती है। तो ये मेरी मुझे बड़ी एक अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, यादें ताज़ा हो जाती हैं। स्टूडेंट लाइफ तो हर एक को याद रहती है। हाँ जी हाँ जी, स्टूडेंट लाइफ मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत सीधा साधा सिंपल सा बंदा था यार। नहीं नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो देखे, वो भी देखने आ गए अपना कॉलेज, वो देखिए आ गए। इनसे पूछते हैं इनके क्या कमेंट्स हैं इसका, अपनी यादों को लेकर। जो मैं बंक करने का कह रहा था, ये फर्स्ट पे होते थे पीरियड बंक करने, यानी पंजाबी से कहो के कंध टपके निकल जाना। बात सुने ना, बात सिद्धार्थ भाई, आप सिद्धार्थ भाई ने FSC यहाँ से की है, कॉलेज में आप इंटर हुए हैं, किस तरह फीलिंग आपकी आ रही है? मुझको अपने कॉलेज का जो जमाना ना वो याद आ गया। तो इतना एंजॉय करते थे हम इधर, को बता नहीं सकते। ये लॉन में या जो आप क्या साडे में पीरियड फोड़दे हुंदे सी, कांदे टप के हो गए ते आज की। हां उसने कह ए बंदा सच्चा बंदा साजी ये बताए कि जैसा हमने काफी टाइम हो गया मैं छोड़ कर गया था, मेरा ख्याल कोई ऐसा रेनोवेट नहीं किया, वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं आई, खास चेंजिंग नहीं की उन्होंने, क्योंकि जो बिल्डिंग वगैरह तो सेम है। ये देखे अब तो इन्होंने ये यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिया है। जब हमारा दौर था तो उस वक्त तो ये ब्लू अपना शर्ट थी और साथ ग्रे पैंट थी, ग्रे पैंट थी और ब्लू जो है वो जर्सी थी। हाँ, तो बस वक्त के साथ ये चेंजिंग आई है, वो चेंजिंग आई है। अब गाइस इस साइड पर आगे जाकर बॉयज हॉस्टल है, तो इसी एरिया में जो है वो सारा कॉलेज है। तो फ्रंट साइड पर ये जो क्लासेस वगैरह हैं साइंस की लगती थी, फिर कॉमर्स की, उसके अलावा जो आर्ट्स की, आर्ट्स वगैरह की। चलें थोड़ा सा आपको ग्राउंड दिखा देते हैं। ये है जी ग्राउंड, वो हॉस्टल है सामने बॉयज हॉस्टल। तो गाइस ये देखें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। गाइस जैसे मैंने पहले बात की कि यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगे होते थे चिन्योट को ज़िला का दर्जा दिया जाए, तो अभी चिन्योट ज़िला बन चुका है। तो पहले लोग, ये थी पहले तहसील, तो लोग जो काम करवाने के लिए जितने भी काम थे ना वो करवाने जाते थे जंग में, तो जंग में होते थे। मैं भी अक्सर 2-3 बार जंग गया हूँ, या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट रिलेटेड कोई वर्क है तो वो हमें जंग जाना पड़ता था। तो अब चिन्योट जो है वो ज़िला बन चुका है, और अब चिन्योट की जो है वो 2 तहसीलें हैं, एक है बुआना और एक है लालिया। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी चिन्योट चेंज हो चुका है, और मैं यहाँ पर आया हूँ काफ़ी वीडियोस बनाने के लिए। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।